Yes, good morning students. I'm your MV teacher. Today we are going to start chapter 6 of MV, that is the team spirit. Now let's start ki team spirit kaise hota hai, kya hota hai, what were the advantages ki hum team as a team kaam karte hain to uske kya kya jo hai advantages hote hain. So team spirit is such a powerful weapon with which you can win any battle. टीम स्पिरिट यानी कि यूनिटी स्ट्रेंथ आप सबने सुना होगा कि एकता में ही बल है, तो वैसे ही टीम स्पिरिट जो है एक पावरफुल वेपन है. हम कोई भी लड़ाई को जीत सकते हैं अगर हम एक साथ एक टीम एक यूनिटी रखें तो. एज यू नो दैट यूनिटी स्ट्रेंथ बट इन ऑर्डर टू सी द एक्चुअल वंडर्स दैट यूनिटी इज केपेबल ऑफ यू शुड ट्राई दिस स्पिरिट. हमने सुना तो बहुत है कि यूनिटी स्ट्रेंथ जो है उसमें बहुत पावर होती है, बट सिर्फ हम सोचे ही क्यों, ठीक है, हमें जो है ऐसा करना भी चाहिए, ठीक है. तो हमें जो है उस यूनिटी जो हमने सिर्फ सुना ही है वर्ड्स में, तो हमें उसको देखना भी चाहिए करके, उन चीजों को हमें फॉलो भी करना चाहिए. सिर्फ आप अगर सुन के ही आपको ऐसा लगता है कि आप वो कितना अच्छा एक यूनिटी में इतनी सब चीजें हम इतना कुछ आप अज्यूम कर सकते हो कि एक यूनिटी से एकता से एक टीम से हम बहुत सारी चीजें जो है आराम से जीत सकते हैं, हर चीज को जीत सकते हैं. तो हमें जो है ये चीज ट्राई भी करनी चाहिए और करनी भी चाहिए. इफ यू डेवलप द हैबिट ऑफ वर्क, अगर हम जो है हैबिट डेवलप करेंगे टीम के, मतलब एक ही टीम में वर्क करने की या एक साथ वर्क करने की, तो हमें जो है बहुत सारे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है. वर्किंग इन टीम नॉट ओनली गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू कीप योर करेज अलाइव बट प्रोवाइड यू अ रीजन टू स्टैंड अप टू एनीथिंग एज़ वेल. ये सिर्फ जो आपको टीम स्पिरिट है या जो टीम स्ट्रेंथ है आपको सिर्फ एक करेज ही नहीं देती है, सॉरी आपको एक स्ट्रेंथ ही नहीं देती है, आपको आपको आपके अंदर जो है करेज भी लेकर आती है हर चीज का, कि आप किसी चीज से डरो नहीं और सब चीजों के अगेंस्ट में उनके साथ उनके जो सामने है खड़े रहो. अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप अपनी टीम के साथ हो तो आपको वो प्रॉब्लम जो है कहीं भी नहीं आएगी. Be it your school, playground, home or your workplace, when you grow up, you should always develop the habit of working in team. चाहे वो स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, आपने हमेशा देखा है कि जो है आप देखोगे कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमने क्या देखा है, हमने टीम वर्क ही देखा है. हमने हमेशा टीम में वर्क, मतलब एक साथ जो है हम लोग जब प्लेग्राउंड में खेलते हैं तो एक साथ खेलते हैं, लंच करते हैं स्कूल में एक साथ करते हैं, घर पे भी कुछ वर्क होता है तो हमें सबको मिलके करना चाहिए. सो ये जो टीम के अंदर जो वर्क करने की जो हैबिट है वो हमें हमारी जनरली ही डेवलप हो रही है, ठीक है. और इससे जो है हमें बहुत कुछ एडवांटेजेस जो है देखने को मिलते हैं, यानी कि इतने इस टीम स्पिरिट में यानी कि सर टीम में होने में हमें एकदम अनलिमिटेड एडवांटेजेस, बहुत एडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं. इससे क्या क्या होता है, इट पुशेस यू अहेड ऑलवेज, इट मेक योर वर्क इजी, ठीक है. ये हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें हेल्प करता है, हमारे वर्क को हेल्प करता है, बिकॉज टीम है तो वर्क डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है. और हमेशा हमारे अंदर एक स्पार्क रखता है हर चीज को जीतने की, ठीक है. अगर हम टीम में वर्क कर रहे हैं, हम अच्छे प्लान्स बना रहे हैं एक दूसरे की हेल्प से, तो इससे हमें जो है बहुत इससे जो है हमें बहुत कुछ देखने को या हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इवन जो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी बहुत इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होते हैं, प्लस अच्छे रिजल्ट्स होते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो जाता है. यानी कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है अगर वो हम टीम के साथ मिलकर वर्क करें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है. सो यू कैन टैकल एवरी प्रॉब्लम, अगर जो भी प्रॉब्लम है उसको भी हम इजिली टैकल कर सकते हैं अगर हम सबके कंबाइन एफर्ट्स हो तो, ठीक है. हमें नए नए आइडियाज देखने को मिलते हैं अगर हम टीम में वर्क कर रहे हैं तो, सब अपने अपने ब्यूटीफुल आइडियाज देते हैं, सब अपने आइडियाज शेयर करते हैं, मतलब एक आपके पास एरिया होता है ग्रो करने के लिए टीम के अंदर. आपको औरों के व्यूज भी सुनने को मिलते हैं, आपको अपने व्यूज भी देने को मिलते हैं, है ना. So this way you can receive a kind of expansion which take you towards a new height. अब आपको बहुत सी चीजें को जानने को मिलती है as a team में, अगर आप काम करते हो बहुत सी नई चीजें सीखते भी हो तो ये आपको एक नई height पर पहुंचाने की भी कोशिश करता है, आपको आगे बढ़ने में help करता है. So working in a team is a really worth enjoying experience. ये बहुत एक अच्छा experience है, enjoying experience है, एक journey है, ठीक है, आपको आप सब लोगों को एक साथ रखने की, आपके अंदर जो है वो पावर लेकर आती है, पावर डिस्कवर करती है एक साथ रहने की, है ना. रिमेम्बर अ ग्रेट टीम एग्जिस्ट वेयर देयर इज अ फाइन अंडरस्टैंडिंग. एक ग्रेट टीम तभी रह सकती है, तभी जीत सकती है जब उनके बीच उनके मेंबर्स के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग हो बहुत अच्छी हो, सब एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए. वहां पे सारी जो टीम मेंबर है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, ठीक है, अपना सेल्फिश नेचर ना दिखाएं.
ठीक है, इट इज अबाउट गिविंग कंप्लीट रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनसे आप अपने आइडिया शेयर करें, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट करें, उनकी बात सुने, अपनी बात सुनाए, है ना। सो ये कोई एक वन मैन शो नहीं है कि एक कोई भी मेंबर आया उसने सब कुछ कर लिया आपकी टीम रेडी हो गई, नो, ये एक कंबाइंड एफर्ट से सब लोगों का एफर्ट जो है मिलके लगेगा। ऑफ कोर्स लीडर सेलेक्ट होता है, नो डाउट, बट वो लीडर भी अपनी टीम के साथ ऐसे इन्वॉल्व होता है कि वो लीडर लीडर नहीं लगता, ठीक है, वो लीडर ऐसे वर्क करता है, ऐसे अपने एफर्ट्स लगाता है कि आपकी जो टीम है उसको और स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। और बट वेन इट कम्स टू द रिजल्ट इट इज एवरी, और जब भी अगर आपकी टीम ने कोई अच्छा वर्क किया, आपकी टीम को ट्रॉफी मिली है, तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर लीडर की वजह से नहीं है या उस लीडर को नहीं मिलेगी, ठीक है, ये आप सबके कंबाइंड एफर्ट्स से आपकी सबकी ट्रॉफी है, ठीक है। तो एक जो लीडर है वो सबको साथ रख के चलता है, सबको साथ लेके चलता है, सबकी बात सुनता भी है। सो फ्रेंड्स, वुड यू लाइक टू बिल्ड अ टीम ऑफ यूनिटी, तो अब आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप लोग भी जो है अपनी एक टीम बनाना चाहते हैं जिसमें आपकी जो है यूनिटी दिखे, स्ट्रेंथ दिखे, आपकी एकता दिखे। सो यू हैव टू टेक दैट स्पिरिट इन यू, आपको जो है अपनी लाइफ में भी ये चीजें रखनी चाहिए, ठीक है, आपको कहीं पे भी आपकी एक टीम होनी चाहिए जो आप मिलके काम करो, मिलके कुछ भी प्रॉब्लम है सॉल्व करो, ठीक है। नो वन, अगर आप ये स्पिरिट फॉलो करते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता टू बिकम अ विनर, आपको जीतने से, आपको विनर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप एक ये यूनिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो। एंड देन देयर वुड बी सो मेनी पीपल टू एंजॉय द रिजल्ट व्हिच मींस यू कैन असिस्ट द ट्रेजर ऑफ अनलिमिटेड हैप्पीनेस। अब अगर आप ये टीम स्पिरिट की जो भावना है अपने अंदर लाओगे, इनफैक्ट सबके अंदर जो है ये चीज लेकर आओगे कि आपको एक यूनिटी का जो है रखना चाहिए, तो आप ही नहीं जो है रिजल्ट, आप ही नहीं एंजॉय करोगे जीतते पे, आपकी जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो सब एंजॉय करेंगे, और इस तरीके से जो आप है अपनी अनलिमिटेड हैप्पीनेस को ट्रेजर कर सकते हो, या आपकी जो ये हैप्पीनेस है वो अनलिमिटेड हैप्पीनेस जो है आप ढूंढ सकते हो, ला सकते हो लोगों के अंदर। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दी टीम स्पिरिट की यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है, या टीम में ही हमें वर्क करना चाहिए। अगर हम टीम में वर्क करेंगे तो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, देन हम ये हमें जो है अनलिमिटेड हैप्पीनेस भी जो है हमारे अंदर जो है लेकर आता है। हम तो खुश होते ही हैं जीतने पे, हमारे जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सो दिस स्टोरी और दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दी टीम स्पिरिट, कि इट्स अ पावरफुल वेपन जो आपको किसी भी जो बैटल में है आपको जीत हासिल, यानी कि जीत दिला सकता है। कौन सी चीज है वो ऐसी, दैट इज दी टीम स्पिरिट। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।